Okay, so today we are going to discuss shearing bridge. So the concept is same. Okay, firstly we written a balance equation, and then we calculate the unknown impedances. Okay, but what is the impedance here? By shearing bridge, we calculate a capacitance value. Okay, capacitance value. So, as like all bridges, there are four arms. 1, 2, 3, and 4. The fourth one is a unknown impedance. Now, resistance and capacitance. Okay. So in first arm there is a variable R3. Of course one variable is must be there for balancing, so that is Z1, Z2, Z3, and Z4 की जगह हमने क्या यूज़ किया है Zx, that is unknown impedance. तो इसको लेट सपोज फिर वही हमें कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए पहले यहाँ पर क्या करेंगे, एक आई इज्कवल टू ज़ीरो मतलब बैलेंस्ड इक्वेशन. अब ये निकालना, हमने इक्वेशन क्या कर ली, बैलेंस कर ली. अब बैलेंस करने के बाद हमें ये निकालना है किस कंडीशन, मतलब अब बैलेंस की कंडीशन तो हमें पता है. अब बैलेंस की कंडीशन यूज़ करके हम मालूम कर लेंगे कि सी एक्स की उस कंडीशन के लिए सी एक्स की कितनी वैल्यू होनी चाहिए और आर एक्स की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, तभी हमारा सिस्टम किस में आएगा, बैलेंस्ड में. तो फिर हमने फिर अपना किया, देखो क्या होती है हमारी बैलेंस इक्वेशन होती है Z1 अपॉन Z3 इक्वल्स Z2 अपॉन Z4 या Zx. ठीक है ना, यानी Z1 Zx इक्वल्स Z2 एंड Z3. ठीक है ना, तो हम मेनली कैसे याद रखते हैं, Z1 अपॉन Z3 इक्वल टू Z2 अपॉन Zx, राइट. फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तना जाता है Z1 इंटू Zx इक्वल टू Z2 इंटू Z3. तो अब जब ये हमारा इक्वेशन आ गई है इक्वल्स, है ना, तो अब हमें किसकी Z1 की वैल्यू निकालनी है, Zx तो हमारा अननोन है, Z2 की वैल्यू और Z3 की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यूज हम निकाल लेते हैं. देखो इन तीनों की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, अब रही बात सबसे पहले कहाँ आते हैं Z1 में. अगेन फिर Z1 क्या है, पैरेलल में हमारा क्या है, रेजिस्टेंस के पैरेलल में क्या है, कैपेसिटेंस है. तो हमें क्या, फिर हमने अभी इससे पहले भी हमने देखा था इससे पहले वाले में कि हमारा हमें ज़्यादा इजी होता है कि इसमें हम क्या निकालें, क्योंकि 1 अपॉन Z1 हो जाएगा जब हम इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो 1 अपॉन Z1 इक्वल्स निकलेगा, राइट. तो हम इसमें क्या निकाल लेते हैं, एडमिटेंस निकाल लेते हैं. ठीक है, तो देखो Y1 इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस j ओमेगा C1. इट्स नॉट आर थ्री, इट्स आर वन, इट्स आर वन एंड इट्स सी वन. ओके, Y1 इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस j ओमेगा C1. इससे पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि ये कैसे आया होगा, 1 अपॉन, यहाँ पर देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, 1 अपॉन Z1 इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन माइनस j xc, क्योंकि इसका हम इम्पिडेंस कैसे, इसका इम्पिडेंस कैसे लिखते हैं, j की फॉर्म में, j माइनस j xc, यही है ना, क्या लिखते हैं, -j xc लिखते हैं इसका, -j xc, तो इन रेक्टेंगुलर फॉर्म. ठीक है ना, तो 1 अपॉन Z1 इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन माइनस j xc. जे का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ कितना होगा, जे स्क्वायर हो गया, जे स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 माइनस 1 प्लस -1 इंटू माइनस क्या हो गया, +1 हो गया. तो क्या आ जाएगा, ये प्लस वन, तो जे अपॉन एक्सी आ जाएगा, एक्सी की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन ओमेगा C. तो फिर ओमेगा सी ऊपर जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस j ओमेगा C1, राइट. तो ये हमारा हो गया Y1 इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस j ओमेगा C1. अब फिर Z2 की वैल्यू निकालते हैं, Z2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर तो सिर्फ Z2 इसको डायरेक्ट R2 हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस ही है, इम्पिडेंस यहाँ निकालने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज हमारा कोई भी फ्रीक्वेंसी रिलेटेड कंपोनेंट यहाँ पे ऐड नहीं है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों में से कुछ नहीं है. अब आती है Z3 की वैल्यू,
जेट थ्री इक्वल टू क्या है, देखो वन अपॉन जे ओमेगा सी थ्री। अब देखिए जेट थ्री इक्वल टू वन अपॉन जे ओमेगा सी थ्री। अब आप मालूम है जेट थ्री इक्वल टू वैसे क्या होता है, यहाँ पे जेट थ्री इक्वल टू वैसे क्या होता है, माइनस जे एक्स सी इक्वल टू माइनस जे अपॉन ओमेगा सी थ्री। और फिर क्या, जे का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर, जे स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, माइनस वन और माइनस प्लस वन, तो वन अपॉन नीचे आ जाएगा जे जे ओमेगा सी थ्री, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया क्या, जेड थ्री की वैल्यू क्या होगी, वन अपॉन जे ओमेगा सी थ्री। एंड अब आते हैं अपने जेड फोर, जेड फोर या जेड एक्स में, ठीक है ना, जेड एक्स, ठीक जेड एक्स में आते हैं। जेड एक्स की वैल्यू क्या है, आर एक्स प्लस वन अपॉन जे ओमेगा सी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वन अपॉन ओमेगा जे सी थ्री हमने ये निकाला है, वैसे यहाँ क्या निकालेंगे, वन अपॉन जे ओमेगा सी एक्स। देखो यहाँ पे निकाल के भी दिखाया गया है, जेड फोर इक्वल टू आर एक्स माइनस जे एक्स सी, बिकॉज क्या होता है, एक्स सी क्या होती है, माइनस जे एक्स सी होती है, तो आर एक्स माइनस जे एक्स सी आएगा, ये इक्विवेलेंट आएगा। लेकिन हमने क्या लिखा, आर एक्स माइनस जे अपॉन ओमेगा सी, जे का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, जे स्क्वायर हो गया, जे स्क्वायर माइनस वन, माइनस वन माइनस प्लस वन हो गया, आर एक्स माइनस जे स्क्वायर अपॉन जे ओमेगा सी, आर एक्स जे स्क्वायर माइनस वन माइनस प्लस हो गया, प्लस वन अपॉन जे ओमेगा सी, ठीक है ना। तो ये आपको सारी वैल्यूज क्लियर हो गई, वाई वन जेड टू जेड थ्री एंड जेड फोर हमारी सारी वैल्यू निकल आई है। अब हमें इसे क्या करना है, फाइनली पुट अप करना है। तो देखो हमारा क्या था, जेड वन जेड एक्स इक्वल टू जेड टू जेड थ्री, तो फिर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, अननोन, यही तो है अननोन इम्पिडेंस। ठीक, ये होगी हमारा नॉन इम्पिडेंस। तो जेड एक्स की क्या है, जेड एक्स क्या होगा, जेड टू जेड थ्री अपॉन जेड वन, जेड वन क्या लिख सकते हैं, वाई वन, वाई वन अपॉन जेड वन को क्या लिख सकते हैं, वाई वन, तो जेड टू जेड थ्री इंटू वाई वन। अब क्या कहते हैं, क्वेश्चन वन में सभी वैल्यूज पुट करते हैं जो हमने अभी निकाली थी, जेड टू जेड थ्री वाई वन एंड जेड एक्स। तो जेड एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, आर एक्स प्लस वन अपॉन जे ओमेगा सी एक्स, आर एक्स प्लस वन अपॉन जे ओमेगा सी एक्स रख दिया। एंड जेड टू तो डायरेक्ट क्या था, आर टू ही था, जेड टू की आर टू हो गई। जेड थ्री क्या थी, वन अपॉन जे ओमेगा सी थ्री था, जेड थ्री वन अपॉन जे ओमेगा सी थ्री हो गया। और वाई वन की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, वन अपॉन आर वन प्लस जे ओमेगा सी वन, वन अपॉन आर वन प्लस जे ओमेगा सी वन, देन ओके। अब हमें क्या करना है, अब हमें इमेजनरी और इसके इमेजनरी और रियल आपस में क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो उसके लिए चलो आर एक्स, फिर हमने जे का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जे में कहाँ लाना है, ऊपर ही लाना है, तो माइनस, तो क्या हो गया, यहाँ पे जे हो गया, यहाँ जे स्क्वायर हो गया, जे स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस वन यहाँ आ गया, माइनस जे अपॉन ओमेगा सी एक्स इक्वल टू सी वन आर टू अपॉन सी थ्री। एंड जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो सेम वही कंडीशन होगी, सेम मतलब जब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो R2 ये R2 है अपॉन ओमेगा, R2 अपॉन ओमेगा C3 इंटू R1, R2 कुछ कर बोल रहा है सी एक्स इक्वल टू सी थ्री ये R1 हो गया यहाँ पे, ओके ठीक है। सी वन आर टू अपॉन सी थ्री माइनस जे, देखो आर टू, क्योंकि यहाँ सी इसमें जो होगा जे जे कैंसिल हो जाएगा, तो ये रियल पार्ट हो जाएगा, लेकिन इस वाले पे जे कैंसिल नहीं होगा, तो ये हमें इमेजिनरी यहीं से मिलेगा। तो देखो आर टू अपॉन ओमेगा सी थ्री इंटू आर वन, आर टू अपॉन ओमेगा सी थ्री इंटू आर वन। अब ये जे बचा, जे का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, तो नीचे जे स्क्वायर आ जाएगा, माइनस हो गया और ऊपर जे आ गया। और जब इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, जे से जे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, आर टू सी वन अपॉन सी थ्री, आर टू सी वन अपॉन सी थ्री, राइट। फिर देखो हमें जे रियल और इमेजिनरी दोनों मिल चुके हैं अपनी इक्वेशन में, तो हमने क्या किया, इमेजिनरी व रियल पार्ट को इक्वेट कर देंगे, तो फिर क्या निकलेगा, आर एक्स इक्वल टू क्या आएगा, सी वन आर टू अपॉन सी थ्री। एंड फिर हमने इमेजिनरी पार्ट को कंपेरिजन करेंगे, तो हमारा सी एक्स इक्वल टू आ जाएगा सी थ्री आर वन अपॉन आर टू, राइट। तो ये हमारी कंडीशन क्या, हमने क्या किया, हमने आर एक्स की वैल्यू भी निकाल ली और सी एक्स, यानी हमने हमारा क्या निकल आएगा, यहाँ से कैपेसिटेंस भी निकल आया, यहाँ रेजिस्टेंस भी निकल आया, तो फाइनली हमारा क्या, इम्पिडेंस कैलकुलेट हो गया, राइट। ये अननोन इम्पिडेंस हमने क्या किया,
कैलकुलेट करिए विद द हेल्प ऑफ सीरिंग ब्रिज। चलो ओके, तो एक बार इसकी थ्योरी देख लेते हैं जो भी लिखा है इसमें। यह एक महत्वपूर्ण ऐसी ब्रिज है जिसको कैपेसिटेंस हेतु कैपेसिटेंस यहाँ लिख लेना कैलकुलेशन कैपेसिटन कैलकुलेशन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। सीरिंग ब्रिज के आर्म वन में रजिस्टर व कैपेसिटर पैरेलल में है तथा आर्म थ्री में केवल कैपेसिटर लगा हुआ है, राइट। तो बाकी सब हमने इसका डेरिवेशन देख लिया है, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।